की हत्या 14 तारीख को हुई, उसी दिन से पुलिस इसमें लगी हुई थी। एक 22 सदस्यीय टीम भी इसके लिए गठित की गई थी, जिसके सभी मेंबर्स ने बेहद मेहनत करके टेक्निकल साक्ष्य के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 3 प्रदेशों की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का भरपूर सहयोग मिला है। जो मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी और जय नारायण त्रिपाठी, संजय जो संजू त्रिपाठी है उसका भाई और बाप, इस पूरे घटना के सूत्रधार हैं। कपिल त्रिपाठी अपने साथी सुमित निर्मलकर के साथ नेपाल भागने की तैयारी में था। इसको हम लोगों ने गोंदिया, भोपाल, इंदौर, दिल्ली से होते हुए जब फाइनली दिल्ली से काठमांडू की बस में बैठ गया था, वहाँ पे हमने लखनऊ पुलिस की मदद से लखनऊ टोल गेट के पास बस से इनको गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त जो प्रेम श्रीवास इसमें मुख्य किरदार है, जिसने कि पिस्टल्स बरामद करने से लेके जो उत्तर प्रदेश के शूटर्स हैं उनसे संपर्क किया, कपिल ने इसको 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए। टोटल सौदा 10 लाख रुपए में हुआ था और 5 शूटर्स को बुलाया गया और उनसे घटना को अंजाम दिलाया गया। अभी तक की पूरे घटना में हम लोगों ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि सबसे प्रमुख कपिल त्रिपाठी, उसके पिता जय नारायण त्रिपाठी, इसके अतिरिक्त कपिल त्रिपाठी की पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, जय नारायण त्रिपाठी की दत्तक पुत्री, उसका पति भरत तिवारी, आशीष तिवारी, रवि तिवारी, अमन गुप्ता, ये सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिन सहयोगियों के माध्यम से पिस्टल्स प्राप्त हुई थी, उसमें रायगढ़ का एक सप्लायर और रायगढ़ के सप्लायर को जिसने झारखंड के एक सप्लायर ने पिस्टल्स दी थी, जिसको अंबिकापुर से जाकर प्रेम श्रीवास और कपिल त्रिपाठी 2 दिसंबर को लेकर आए थे, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और वो जो 2 पिस्टल्स हैं उनका घटना में उपयोग किया गया है। जय नारायण त्रिपाठी से 1 पिस्टल इसके भिलाई के घर से बरामद की गई है और जो दत्तक पुत्री है जिसका शनिचरी में घर है वहाँ से 1 पिस्टल और 1 कट्टा विथ लाइव राउंड्स वहाँ से भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त 4 वाहन, जिसमें कि 1 स्कॉर्पियो वाहन है, 1 बेलिनो गाड़ी है, 1 एलेंट्रा गाड़ी है और 1 थार गाड़ी है, जिससे कि शूटर्स और कपिल त्रिपाठी, सुमित निर्मलकर एवं अन्य लोग घटना के बाद यहां से भागे थे। 4 गाड़ियां भी बरामद हो चुकी हैं। इसमें पूरी टीम ने हज़ारों सीसीटीवी फुटेज, सैकड़ों टावर डंप लोकेशंस, मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट्स के माध्यम से 50 से अधिक संदेहियों से इस पूरे प्रकरण में पूछताछ हुई है और उनके माध्यम डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।